हाय फर्स्ट गियर के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है हंटर 350 E20 अपडेट हुआ है उसमें। और हाँ, रॉयल इनफील्ड की कोई भी बाइक लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रॉयल इनफील्ड श्लोका ऑटोटेक LLP उदयपुर, जिनके कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे जरूरी बात, अगर बाइक चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहने, कार चलाते हैं तो सीटबेल्ट जरूर पहने, और कुछ नहीं चलाते तो घर में बैठे बाजार में भीड़ बहुत है। चलिए शोरूम की तरफ चलते हैं, वहीं मिलते हैं। वैसे तो हंटर की मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, पर ये कुछ विशेष है इसलिए इसको बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए, हेडलैम्प सेम है, हेडलैम्प में कोई चेंज नहीं है, पर आगे से देख लीजिए हेडलैम्प इसका एलोजन वही है। तो ये LED है, इसको जला के भी दिखा दूंगा, पहले आगे से शुरुआत करते हैं। आए हैं तो पूरे इसके बारे में जानकारी नहीं लेंगे, ऐसा थोड़ी हो। आगे का मडगार्ड प्लास्टिक वाला है, और इसमें आपको 300 mm के डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, और वाइब्रेरी के कैलिपर दे रखे हैं। ड्यूल चैनल ABS के साथ आएगी, ट्रैवलिंग पार्ट को यहाँ पर कवर कर रखा है, टेलीस्कोपिक फ्रंट शॉकर इस तरह से, और यहाँ ये वाले सब एसेसरीज हैं। तो मैं कहीं बताना भूल जाऊँ तो अलग से अपना दिमाग लगा कि मैं सोचना कि ये साथ में ये सब एसेसरीज वाली होगी, सारा एसेसरीज है, ये भी एसेसरीज है। इंजन पे आ जाते हैं तो वही 349cc सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल्ड BS6 फेस्ट 2 इफेक्ट इंजन है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर, 6800 rpm पर, 27 Nm का टॉर्क, 4000 rpm पर, 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आएगा, एक नीचे बाकी चारों ऊपर की तरफ। माइलेज आपको ये दे देगी 35 km/L। ये आपके चलाने के ऊपर है, आप जैसे घूम करके चला रहे या फिर डुक 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 इस हिसाब से, मतलब रेव करके चलाते हैं ज्यादा हाई स्पीड पे तो एवरेज ड्रॉप होना लाजमी। इसमें आपको टॉप स्पीड मिल जाएगी 120 km सिंगल सवारी होने, वो आपके वजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम दो सवारी गए थे 107-108 लास्ट चल रही थी, अगले किस मेरे को सबसे अच्छा पार्ट लगता है हंटर में, ये वाला ब्रेक अभी तक किसी में नहीं आता है, जो खाली उस बाइक में आता है। अरे यार, तो सामने खड़ी है तो बता ही देता हूँ। ये देखो, इसमें इस तरह से आता है हिमालयन में, और इसमें वापस ये इस तरह से कैसे अच्छा है, और फुट रेस्ट कुछ इस तरह से दे रखे हैं, आगे के स्प्रिंग लगे हुए हैं, अगर गिर भी गए तो वापस लग जाएंगे। पीछे का एडजस्टेबल है, पूरा एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पर, और छोटा सा यहाँ पर आपको सोकस दे रखा है, सॉरी छोटा सा एग्जॉस्ट दे रखा है, सोकस वगैरह का दे रखा है कुछ इस तरह से। बहुत ही शानदार साउंड भी सुना दूंगा, और यहाँ पर आपको 270 mm का डिस्क ब्रेक दे रखा है, ड्यूल चैनल ABS के साथ आएगा। टायर साइज में आपको आगे का बताना भूल गया था, अभी बता देते हैं, ट्यूबलेस टायर के साथ आएगा, रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग के साथ अब यहाँ पर भी पट्टी वट्टी आने लगी है। एलॉय व्हील दे रखे हैं 17 इंच के, और टायर साइज का के टायर साइज का के C8 के टायर दे रखे हैं। अब C8 के टायर ज़्यादा आने लगते हैं, जूम XL 140/17 के टायर दे रखे हैं, तो काफ़ी बोर्ड है मेरे लिए। पीछे से कुछ लोग इस तरह से, यहाँ पर भी आपको LED बल्ब देखा, और यहाँ पर वापस LED ही इंडिकेटर है। पूरे मैंने बताना आपको इसमें चेंज किया है, मतलब एसेसरीज लगा रखी है। पीछे का मडगार्ड कुछ इस तरह से, साड़ी गार्ड आपको यहाँ दे रखा है, इधर से बाइक कुछ इस तरह से कि हंटर रॉयल इनफील्ड हंटर 350 की ब्रांडिंग यहाँ कर रखी है। वापस टैंक पर आ जाता है, टैंक पर रॉयल इनफील्ड यहाँ पर अच्छा गोल्डन कलर में लिखा हुआ, रेड और ब्लैक बहुत ही शानदार लग रहा है, और इनफील्ड यहाँ पर कुछ इस तरह से जाते रखी है, टैंक कुछ इस तरह से है, और मीटर कंसोल आपको कुछ इस तरह से की वही मशीन कट वाली है, इसी से स्टार्ट हुआ था शायद, मेरे को लगता है मशीन कट वाली नहीं इससे हो गया था। और जब आप इसके ऊपर बैठेंगे तो कुछ इस तरह से, इसका राइडिंग रिव्यू बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, मेरा माइक की प्रॉब्लम आ रही है इसलिए अभी इसका नहीं बना। मीटर में वही बेसिक सारी जानकारी दे रखी है, इसको अभी जैसे बंद कर दूँ तो बंद, और गियर पोजीशन इको मोड वगैरह सारे इसमें दे रखे हैं, बाकी इंडिकेटर ये एनलॉक इधर दे रखा है स्पीड ऑफ से भी, और यहाँ पर क्लच काफ़ी स्मूथ दे रखा है, और स्विच क्वालिटी वही मीटर वाली है, बार बार क्या बताऊँ इसमें वो भी सुन लो। यहाँ पर मीटर को सेट करने के लिए यहाँ से, और बाकी आपको लो बीम हाई बीम पासिंग का स्विच में दे रखा है, इंडिकेटर यहाँ दे रखा है, हॉर्न कुछ इस तरह से, काफ़ी लाउड हॉर्न है, रॉयल इनफील्ड में सोचने की जरूरत नहीं लाउड हॉर्न नहीं आते, और यहाँ पर आपको हेजार्ड का दे रखा है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है क्योंकि इंजन स्टार्ट स्विच यहाँ पर आपको दे दिया गया है, कुछ एक ही कंबाइंड स्विच दे रखे हैं, और ये जो हैंडल बार हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, ग्रिप वगैरह बहुत ही अच्छी शानदार है, बार हैंड भी बहुत अच्छे हैं, ग्लास वगैरह प्लास्टिक है पर ठीक है, धीरे धीरे वही गोल वाले क्लासिक रेट्रो स्टाइल में दे रखे हैं। बाइक कुछ आगे से इस तरह से दिखती है,
ठीक है, पीछे से आप इधर से देख लीजिए। इनमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सिस्टम भी दे रखा है, बाइक ऑन करोगे ऑन तो हो जाएगी, गेयर में डालते बंद हो जाएगी अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है। मेन स्टैंड और साइड स्टैंड दोनों दिए गए हैं ताकि चेन क्योंकि पूरा ओपन है, शानदार लगता है बिल्कुल। वहाँ आगे का मैंने आपको बताना भूल गया था, टायर सही, सॉरी टायर सही का है, टीजीएस टायर, हाँ 110 सीटर 17 के टायर, दोनों 17 इंच के एलॉय व्हील दे रखे हैं। और यहाँ पर आपको वापस ये रॉयल इनफील्ड की अब हर जगह ब्रांडिंग है, जैसे यह देखो यहाँ पर एक ब्रांडिंग दे रखी है, अभी मैंने एक नई जगह देखी, यहाँ पर एक ब्रांडिंग दे रखी है, बल्कि अंदर ब्रांडिंग है, इसके ऊपर ब्रांडिंग है, ये तो एक्सेसरीज है, यहाँ पर ब्रांडिंग दे रखी है और चाबी के ऊपर ब्रांडिंग दे रखी है, यहाँ पर तो दे ही रखी है, वापस सीट पर भी दे रखी है, और सीट भी उसने बहुत अच्छी वाली दे रखी है। हाँ ये छोटी है थोड़ी, ठीक दूसरी बाइक से, पर पैसा भी उतना कम भी है, तो उस हिसाब से ये एक्चुअली में यूथ के लिए बाइक है, बाकी क्या है। और ये भी एसेसरीज के तौर पर ही है, इसको साथ में मत समझ लिया है, और इसके पीछे भी रॉयल एनफील्ड ब्रांड है। अब इसको करते हैं ऑन, हाँ गियर लीवर तो बताना भूल गया मैं, गियर लीवर कुछ इस तरह से जो स्पोर्ट बाइक में आते हैं उस तरह का दे रखा है, बहुत ही शानदार, एक नीचे चार बाकी ऊपर। इस बाइक को चलाने में मज़ा था, क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड की दूसरी बाइक से काफ़ी, हाँ एलॉय व्हील की डिजाइन यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से रिफ्लेक्टर वगैरह दे रखे हैं, यहाँ पर यूँ मतलब काई भी खाली जगह नहीं छोड़ रखी है, कुछ कुछ जगह हो जाती है, अब वहाँ क्या भरे। तो इसको करते हैं ऑन, ऑन करने के लिए पहले सबसे पहले इधर जाना पड़ेगा, इंजन किल स्विच को ऐसे करना पड़ेगा, फिर वापस इसको ऑन करना पड़ेगा, और बाइक का साउंड कुछ इस तरह से है। दूसरी बाइक के मुकाबले इसका साउंड थोड़ा अलग ही है, इसका थोड़ा सा यूँ भरा भरा साउंड है और थोड़ा एक अलग है, जो एक स्पोर्ट्स फील वाला स्पोर्ट्स बाइक वाला साउंड होती है। ठीक है, हमने जो इंडिकेटर की बात कर रहा था इसको करते हैं 2000 और आगे से दिखा दूँ पहले, हाँ लो भी मैं चलो, तो कुछ इस तरह से इसके इंडिकेटर है जो LED है, एसेसरीज के तौर पे है, कंपनी के फिटेड नहीं आते हैं, तो इस तरह से एलोजन के लो भी करते हैं, हाई बीम ये अगे हाई बीम, और पीछे से कुछ इस तरह से जो है ना इंडिकेटर, ये LED है, बाकी बीच वाला LED आता है। ये बाइक रॉयल एनफील्ड की सारी बाइक से हल्की है, 177 kg का इसका वजन है, सीट हाइट इसके 800 mm है, ग्राउंड क्लियरेंस इसका 150 mm, ओवरऑल लेंथ इसकी 2055 mm है, और व्हील बेस 1370 mm। इसकी एक शोरूम कीमत है 1,73,155 रुपए, इसकी ऑन रोड प्राइस उदयपुर राजस्थान में 2,07,692 रुपए। अब ये वरी करता है आप किस शहर से देख रहे हैं, तो वहाँ प्राइस घटती बढ़ती बढ़ भी सकती है, क्योंकि RTO चार्जेस अलग अलग होते हैं हर शहर के। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी भी रॉयल इनफील्ड बाइक को लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रॉयल इनफील्ड श्लोका ऑटोटेक LLP उदयपुर, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, अगर बाइक चलाते तो हेलमेट जरूर पहने, कार चलाते तो सीट बेल्ट जरूर पहने, और कुछ नहीं चलाते हैं तो मेरी तरह घर पे बैठे बाहर बाजार में भीड़ न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।